जो भी घर से बाहर अपना बेटियों को नहीं भेजते हैं उनको भेजें, क्योंकि उनका भी लाइफ सिक्योर है। और खेल ऐसा माध्यम है जिसमें शारीरिक और मानसिक सभी तरह से उनका दुरुस्त होता है लाइफ। भविष्य को लेके क्या जी? भविष्य भी उज्ज्वल होगा, उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि अभी तो सरकार बहुत पीछे चल रहा है, फिर भी उम्मीद है कि जो बच्चियां अच्छा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको आगे जाके उनको कुछ ना कुछ लाइफ सेटल हो सकता है अगर सरकार चाहेंगे तो। बिल्कुल, आप आनंद सर के साथ आए जी? आनंद सर का बोलता रहा हूँ मैं, आनंद और मैं दोनों साथ में ही इस जो फुटबॉल का जो शुरुआत था वो हम लोग दोनों तीनों ही मिल के किए थे। अब इस वक्त मैं राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे हूँ, और अभी बस कुछ ही चंद मिनटों पहले फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम की जो टीम थी झारखंड से, 6 बेटियां जो गई थी वो यहाँ पे आई थी, स्वागत उनका हो गया, हमने लाइव आपको दिखाया है, बच्चियाँ गाड़ी में बैठ के गई हैं। और अभी इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत दूर से आए हैं और सिर्फ स्वागत के लिए आए हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? सनोज महतो। कहाँ से आए हैं सर? चारी हुजीर से। चारी हुजीर मतलब अनीता और नीतू जहाँ रहती हैं, तो बेटियों को स्वागत करने आए थे जी? उनको स्वागत करने के लिए आए थे, क्योंकि वो आज हमारा गांव का नाम रोशन करके आई हैं। विश्व कप जो कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसको खेल कर आई है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्राउड हो रहा है, इसलिए आए थे। बिल्कुल, आप तो उसी गांव के हैं सर, आपको पता होगा किन परिस्थितियों से नीतू और अनीता उन इलाकों से निकल के आज वर्ल्ड कप गई हैं। जी पता है, क्योंकि मैं ही शुरुआत करने वाला था उस टाइम हमारे बच्चियों का, मैं आनंद और एक हीरालाल दोस्त थे। अच्छा। हम लोग तीन दोस्त मिल के इसका शुरुआत किए थे। अच्छा। इसे फुटबॉल को लड़कियों को बाहर निकालने का, जो गांव में घर में रहती थी उनको निकालने का काम हम लोग तीन लोग किए थे। वे तीनों के माध्यम से आज हमारी बच्चियाँ आज इस लेवल पर पहुँच चुकी हैं। हम गए थे नीतू के घर, हमें पता चला ईटा भट्टे में काम करती थी। जी जी हाँ, नीतू का मामी पापा और नहीं है जिसकी वजह से उनको ईटा भट्टे में काम करना पड़ता था, और आज इस मुकाम पर पहुँची है। जिन बच्चियों को नेशनल पता नहीं था सर, आज अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल के आई हैं, और आप बहुत बड़ी बात कि आपकी ऐसी स्थिति है और आप इतनी दूर से इतनी रात में आए हैं। जी हमेशा से उनके साथ रहा हूँ और रहूँगा हमेशा। कैसा लगा बेटियों को टीवी में देख के? बहुत अच्छा लगा, मैं लाइव देखने भी गया था वहाँ भुवनेश्वर। अच्छा, जी भुवनेश्वर देखने के लिए गया था मैं उनका मैच। अच्छा, कैसा लगा लाइव देख के? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। क्या कहेंगे जो भी हमारे दर्शक हैं, खेल के प्रति जो रुझान है, खासकर फुटबॉल को लेके जो अब रुझान बढ़ा है बेटियों को लेके, क्या कहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी घर से बाहर अपना बेटियों को नहीं भेजते हैं उनको भेजें, क्योंकि उनका भी लाइफ सिक्योर है। और खेल ऐसा माध्यम है जिसमें शारीरिक और मानसिक सभी तरह से उनका दुरुस्त होता है लाइफ। भविष्य को लेके क्या? जी भविष्य भी उज्ज्वल होगा, उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि अभी तो सरकार बहुत पीछे चल रहा है, फिर भी उम्मीद है कि जो बच्चियां अच्छा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको आगे जाके उनको कुछ ना कुछ लाइफ सेटल हो सकता है अगर सरकार चाहेंगे तो। बिल्कुल, आप आनंद सर के साथ आए? जी आनंद सर का बोलता रहा हूँ मैं, आनंद और मैं दोनों साथ में ही इस जो फुटबॉल का जो शुरुआत था वो हम लोग दोनों तीनों ही मिल के किए थे। बिल्कुल, एक गरीब घर से बच्चों को ईटा भट्टे से निकाल के उनको फुटबॉल ग्राउंड तक ये जो शख्स है वो लेके आए हैं, और जैसे ये कह रहे हैं कि इनको लाइव देखने ये भुवनेश्वर भी गए थे और अभी इनके स्वागत के लिए यहाँ भी आए हैं। आप देख सकते हैं कि क्या जज्बा है यहाँ के लोगों का, बेटियों के प्रति किस तरह से प्रेम दे रहे हैं, और हमारी भी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं खेल के प्रति थोड़े सजग रहिए और अपनी बच्चियों को भी फुटबॉल में ज़रूर भागीदारी बनाए और अच्छा भविष्य कर सकती हैं इस खेल में। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।